अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आफ्टर द वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट का मतलब यही है कि जो वो वेस्टिंग पीरियड था वो आपका गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल 3 साल थे तो 3 साल गुजर गए। अब आपने उन 3 सालों के अंदर जो है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है और साथ ही आपके पास जो है वो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में भी जो है वो ऑप्शंस के तौर पे शेयर्स रिकॉर्डेड है। हमने उसको शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम तो रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने उसको अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में रखा हुआ था। So, IFRS 2 states that no further adjustment to total equity should be made after the vesting date. This applies even if some of the equity instrument do not vest. तो अगर कोई instrument vest नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, simply आप debit कर दें other components of equity को और इस balance को transfer कर दें आप कहां पर, retained earnings में। In other ways हम पता क्या कर रहे हैं, जब हम retained earnings में इसको transfer कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं कि हम इस रिजर्व को रियलाइज कर रहे हैं। वो जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब वो एक्सपेंस एक्चुअली तो हुआ है नहीं लेकिन रिकॉर्ड हमने किया हुआ था। अब जब हम इक्विटी को खत्म करके रिटेन्ड अर्निंग बना लेंगे ना, तो उसका मतलब है कि हम अल्टीमेटली उस एक्सपेंस का रिवर्सल कर रहे हैं। इवेंचुअली यही हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। बिगिनर ऑफर डायरेक्टर्स एन ऑप्शन स्कीम conditional on a 3-year period of service. The number of options granted to each of the 10 directors at the inception was 1 million. The options were exercisable shortly after the end of the 3rd year, yani jab vesting period khatam hoga. Upon exercise of the share options, those directors eligible would be required to pay $2 for each $1 nominal value. Fair value of the options and the estimates of the number of options expected to vest at various points were as follows. Start of the year 1 pe kitne rights expected the 8 million aur fair value thi option ki 3 million. End of the year 1 pe 7 million right expected the ke exercise honge aur fair value thi 0.33. End of the year 2 पे 8 million rights expected थे कि vest होंगे और fair value थी option की 0.37. Show how the option scheme will affect the financial statements for each of the 3 years of the vesting period. अब ये तो आपको पता है ना आसान सा तरीका कि हमने पहले साल के एंड पे देखना है कितने number of rights expected to vest हैं, multiply by fair value, और equity settle के अंदर हम fair value at grant date ही लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम फ्रैक्शन के साथ। इसी तरह दूसरे साल के एंड पे कितने राइट्स एक्सपेक्टेड हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास जो वैल्यू होगी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट एंड मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम फ्रैक्शन के साथ। बी रिक्वायरमेंट के अंदर है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द वेस्टिंग डेट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब दो सिचुएशंस है। The fair value of the share was $5 and all eligible directors exercised their options immediately. The fair value of the share was $1.5 and all eligible directors allowed their share options to lapse, yani unhone exercise nahi kiya. Ab dekhen sabse pehle to aapke paas jo hai na wo simply aap kya kare ye maloom kar le 7 million, 8 million, 9 million, multiply by 0.3, 0.3, 0.3, yani jo fair value at grant date hai. And then aap multiply karte hain time fraction. Pehle saal 1/3, dusre saal 2/3, aur teesre saal 3/3. Wo nahi likha hua isliye kyunki ye 1 hi aata hai. So aapke paas pehle saal ka expense aa gaya 700, dusre saal ka expense aa gaya 900. तीसरे साल का एक्सपेंस आ गया आपके पास 1100। अब पहली ऑप्शन क्या थी, पहली ऑप्शन के अंदर आपके तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शेयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको जो पेमेंट उन्होंने किस तरह करनी थी, अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द शेयर ऑप्शंस दोज डायरेक्टर्स एलिजिबल रिक्वायर्ड टू पे $2 फॉर ईच शेयर ऑफ $1 नॉमिनल वैल्यू, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वो 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 18 मिलियन,
वो जो एक्विटी हमने क्रिएट की हुई थी 2700 की, उसको डी रेकग्नाइज कर देंगे, एक्विटी विल बी डी रेकग्नाइज्ड। एक्विटी डी रेकग्नाइज्ड होगी और ये आपको जो कैश मिल गया और इसके बदले में जो आपने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एक्चुअली इशू कर दिया, ये वही वाली एंट्री है जो मैंने आपको समझाई थी कि आप अदर कंपोनेंट्स ऑफ एक्विटी को कर देंगे डीरेकग्नाइज और एक्चुअल शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब शेयर कैपिटल तो आपको पता है हमेशा पार वैल्यू के साथ जो है वो क्रेडिट होता है और जितना अबव है वो आपके पास बैलेंसिंग फिगर वो शेयर प्रीमियम में रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब किसी डायरेक्टर ने शेयर एक्सरसाइज नहीं किए तो जो भी आपके पास अदर कंपोनेंट्स ऑफ एक्विटी में बैलेंस है उसको डी रेकग्नाइज कर दो और क्रेडिट कर दो रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आपके पास आ जाएगी सिंपल ट्रीटमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये फारेस्ट 2 के अंदर और ये है मॉडिफिकेशंस का। मॉडिफिकेशंस टू द टर्म्स ऑन विच एक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ग्रांटेड। देखें, जब एंटिटी शेयर ऑप्शंस देती है तो फिर कंडीशंस अटैच करती है। वो कंडीशंस हैं वेस्टिंग पीरियड की कंडीशंस कि डायरेक्टर्स को एक खास अरसे तक कंपनी में रुकना है। ऑल्सो दीज कंडीशंस आर रिलेटेड टू द मार्केट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव टू टेक द शेयर प्राइस अप टू ए सर्टेन लेवल। तो हम पर्टिकुलरली एग्जाम्पल ले लेते हैं शेयर प्राइस की। देखिए, जब आप शेयर प्राइस की बात करते हैं ना कि आज शेयर प्राइस ये है, अगर आप शेयर प्राइस ले गए इस लेवल तक देन यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज दोज ऑप्शंस। अब ये क्या है, ये एक क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है। अब ये जो आप डिसाइड करते हो ना कि यू हैव टू टेक द शेयर प्राइस अप टू ए सर्टेन लेवल, वो आप करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, करंट सिनेरियोस को देखते हुए एक टारगेट रखते हुए, कंडीशन रखते हुए। समटाइम्स ऐसा होता है कि या तो वो कंडीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अचीव करना या इट बिकम टू इजी टू अचीव। लेट्स अज्यूम इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, स्टॉक मार्केट गिर गई। अब वो जो आपने ऑलरेडी एक शेयर नीचे आ चुका है और आपने तो उससे ऊपर जाने की बात की थी, तो अब उस वैल्यू तक पहुंचना जो है वो नामुमकिन सी बात है। इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स तो मोटिवेट ही नहीं होंगे। अगर आप उनको ऐसे टारगेट्स दे दे जो अनरियलिस्टिक हैं, जो मीट ही नहीं हो सकते, तो फिर ऐसी ऑप्शंस का उनको क्या फायदा, दे विल नॉट गेट मोटिवेटेड विद देम। एज अ रिजल्ट यू हैव टू चेंज द टर्म्स जिसकी बेसिस पे आपने उनको एक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दिए। समटाइम्स इट बिकम टू इजीयर टू अचीव कि मार्केट इंप्रूव कर गई, अब आप कहते हैं कि नहीं यार, अब इसको नहीं, अब आपको इतने लेवल तक शेयर प्राइस को लेके जाना है। So sometimes you are going to change the terms. So an entity may alter the terms and conditions of the share option schemes during the vesting period. For example, it might increase or reduce the exercise price of the options. This makes the scheme less favorable or more favorable to the employees. It might change the vesting conditions to make it more likely और लेस लाइकली दैट द ऑप्शन विल वेस्ट। तो अब जब मॉडिफिकेशन होगी तो ट्रीटमेंट क्या है, जब मॉडिफिकेशन होगी तो आपने करना क्या है कि आपने जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो तो रिकॉर्ड करना ही करना है, जो रूटीन एक्सपेंस है ओवर द वेस्टिंग पीरियड। जो एडिशनल एक्सपेंस अराइज होगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, वो भी आपने रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पर रिकॉर्ड करना है। If a modification to an equity settled share based payment scheme occurs, the entity must continue to recognize the grant date fair value of the equity instruments in profit or loss. Unless the equity instrument do not vest because of the failure to meet a non-market based vesting condition. If a modification increases the fair value of the equity instruments, then an extra expense must be recognized, which is going to be the difference between the fair value of the new arrangement and the fair value of the original arrangement. Yani in short, isko sum up karte hain ki aapne jo routine expense hai wo to record karna hi karna hai, plus additional expense bhi record karna hai jo ki aapki equity ki value ko increase kar dega over the remaining vesting period. Example lete hain to samajh aayega concept, aise nahi samajh aayega.
An entity grants 100 share options to each of its 500 employees, provided that they remain in service over the next 3 years. The fair value of each option is $20. During the year one, 50 employees leave. The entity estimates that a further 60 employees will leave during year two and three. हमें पता है कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है. वी हैव टू टेक ईयर वन. टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 500 हैं. पहले साल कितने छोड़ गए? 50 लोग छोड़ गए. फर्दर कितने एक्सपेक्टेड हैं? 60 एक्सपेक्टेड हैं कि छोड़ जाएंगे. मल्टीप्लाई बाय द ऑप्शंस गिवन टू ईच डायरेक्टर जो कि 100 हैं. मल्टीप्लाई बाय द फेयर वैल्यू विच इज $20. मल्टीप्लाई बाय द टाइम फ्रैक्शन विच इज 1/3 क्योंकि 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है. At the end of the year one, अब एक साल गुजर चुका, the entity reprices its share options because the share price has fallen. The other vesting conditions remain unchanged. At the date of the repricing, the fair value of each original share options granted was $10. The fair value of each repriced share option is $15. अब देखें एक एडिशनल एक्सपेंस आ गया विच इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू अरेंजमेंट एंड ओरिजिनल अरेंजमेंट. अब ये जो एडिशनल एक्सपेंस है ना $5 का, इसको आपको रिमेनिंग 2 years पे रिकॉर्ड करना है. विल बी रिकॉर्डेड ओवर 2 years क्योंकि 1 साल बाद ये मॉडिफिकेशन अनाउंस हुई है. लेकिन ये इन एडिशन टू द नॉर्मल एक्सपेंस होगा. नॉर्मल एक्सपेंस के भी डेटा में दिया हुआ है. ड्यूरिंग ईयर टू अ फर्दर 30 एम्प्लॉइज लीव. द एंटिटी एस्टिमेटेड अ फर्दर 30 एम्प्लॉइज विल लीव. अब देखिए ईयर टू का डेटा हम कैसे निकालेंगे. 500 लोग थे, 50 पहले साल छोड़ गए, दूसरे साल एक्सपेक्टेड है 30 छोड़ जाएंगे, 30 छोड़ गए इनफैक्ट, और तीसरे साल एक्सपेक्टेड है कि फर्दर 30 छोड़ जाएंगे. सो 500 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 30 इंटू 100 इंटू $20 इंटू 2/3. अब इसी के साथ साथ आपको एडिशनल एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है. तो सेम डाटा ले लें, इसको मल्टीप्लाई करें वही $100 से, मल्टीप्लाई वो जो $5 का एडिशनल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है. लेकिन ये रिमेनिंग 2 years पे करना है तो हम इसको 1/2 करेंगे. अब तीसरे साल का डाटा, 500 लोग थे, पहले साल 50 छोड़ गए, दूसरे साल 30 छोड़ गए, तीसरे साल भी लिखा हुआ है फर्दर 30 लीव. मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $5 मल्टीप्लाई बाय $20 मल्टीप्लाई बाय 3/3. और अब वो जो एडिशनल एक्सपेंस है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, वो जो $5 का है 2/2. यानी इन अदर वर्ड्स वही हमने ये नॉर्मल कैलकुलेशन, ये पहले साल की नॉर्मल कैलकुलेशन, ये दूसरे साल की, ये तीसरे साल, लेकिन साथ ही एक एडिशनल एक्सपेंस $5 का वो 2 सालों पे रिकॉर्ड कर लिए. इसको कहते हैं जनाब सिंपली मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट पेज पे इसकी आपके पास इसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अकाउंट फॉर मॉडिफिकेशंस. अब बात कर लेते हैं कैंसलेशंस एंड सेटलमेंट्स की. जिस तरह मॉडिफाई हो सकती है ऑप्शन स्कीम्स, इसी तरीके से ऑप्शन स्कीम्स जो है वो कैंसिल और सेटल भी हो सकती है. कैंसल और सेटलमेंट का रूल ये है कि जितना भी एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना था आप उसको रिकॉर्ड कर लें. जो पेमेंट आप अप टू द इक्विटी, अप टू द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ डिडक्शन इन द इक्विटी. एनी पेमेंट विच इज मोर देन द फेयर वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. यानी डबल एंट्रीज की क्या होगी? सिंपली डबल एंट्री होगी डेबिट other components of equity, debit profit or loss, credit cash. Up to fair value equity mein deduction, more than fair value profit or loss mein record hoga aur cash ho jayega credit. An entity may cancel or settle a share option scheme before the vesting date. If the cancellation or settlement occurs during the vesting period, the entity immediately recognizes the amount
that would otherwise have been recognized for services received over the vesting period, an acceleration of the vesting. आपको जो expense throughout the period record करना था वो expense immediately record कर ले. Simple से इसका मतलब ये है. Any payment made to employees up to the fair value of the equity instrument is accounted for as a deduction from the equity. यानी देखें और extinguishment of liability अगर cash settled है. देखें हमने क्या किया कि हमने equity को खत्म कर दिया. Any payment made to the employees in excess of the fair value is accounted for as an expense. Example देखते हैं समझ आ जाएगी. An entity introduced an equity settled share based payment scheme on 1st January 2020 for its 5 directors. Under the terms of the scheme, the entity will grant 1,000 options to each director if they remain in employment for the next 3 years. All 5 directors are expected to stay for full 3 years. The fair value of each option at grant date was $8. देखिए जरा अब simply कितने number of employees है 5, तमाम के तमाम expected है कि वो stay करेंगे. Multiply करें options given to each director वो हैं 1,000. Multiply by fair value at grant date which is $8. Multiply time fraction से करना है, लेकिन यहाँ पे तो इससे multiply करेंगे ये full expense आ जाए. So when you multiply 5, multiply by 1,000, multiply by $8, तो आपके पास full vesting period का expense निकल आएगा. So 5 multiply by 8, 40 हो गया, 40,000 निकल आया. ये full expense है जो कि over the vesting period record होना चाहिए. On 30th June 2001, the entity decided to base its share-based payment schemes on profit target instead. Any condition change कर रहे हैं वो. It therefore cancelled the existing scheme. On 30th June, it paid compensation of $10 per option to each of the 5 directors. The fair value of the option was $9. देखिए एक साल बाद उन्होंने decide किया ना, इसका मतलब है कि एक साल का expense उन्होंने record किया हुआ होगा. कैसे record किया होगा? 5 multiply by 1,000 multiply by 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3. ये वो एक्सपेंस है जो कि उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा. लेट मी सी कितना आता है ये. 5 × 1,000 मल्टीप्लाई बाय 8 40,000 डिवाइड बाय 3 ये आता है 13,333. इसमें से आप 40,000 निकाल दें तो आपके पास आ गया 26,666. ये वो एक्सपेंस है जो कि वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे. अब है एनी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज, अभी जो हमने बात की थी अप टू द फेयर वैल्यू वो डिडक्शन इन द एक्विटी होगी. एनी पेमेंट मोर देन द फेयर वैल्यू वो कितनी है? $1, क्योंकि फेयर वैल्यू है $9, पेमेंट की जा रही है $10. सो नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन देखें. ये 26,667 का एक्सपेंस उनको रिकॉर्ड करना है. एनी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज अप टू द फेयर वैल्यू, 5 डायरेक्टर्स थे, 1,000 शेयर ऑप्शन, $9 ये फेयर वैल्यू है. ये एक्विटी में डिडक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी. एनी पेमेंट मोर देन फेयर वैल्यू, $10 − $9 का डिफरेंस वो रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में और कैश हो जाएगा क्रेडिट. ये आपके पास सिंपली है डबल एंट्री. ये हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं जनाब, क्या? कैंसलेशंस एंड सेटलमेंट्स. अब आपके पास आ गया अकाउंटिंग फॉर कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट. बस वही है जो अब तक आप पढ़कर आए हैं. फर्क सिर्फ कितना है कि डेबिट एक्सपेंस ही होगा वो शेयर बेस्ड पेमेंट, एक्विटी सेटल में भी होता था. क्रेडिट होगा लाइबिलिटी, क्योंकि एक्विटी सेटल में कंपनी शेयर या शेयर ऑप्शन इश्यू करती है. कैश सेटल में कंपनी को पेमेंट करनी है बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस. तो यहां पेमेंट जा रही है बिकॉज पेमेंट विल बी मेड. तो चूंकि पेमेंट की जाएगी इसलिए क्रेडिट एंट्री होगी लायबिलिटी. दूसरा फर्क क्या होगा? एक्विटी सेटल में हम हर साल कैलकुलेशन के अंदर लेते हैं फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, यहां लेंगे फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट.
क्योंकि हर साल शेयर की प्राइस चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू भी चेंज होगी, और बाकी वही है, नंबर ऑफ राइट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट भी वही है, और प्रोपोर्शन यानी वो जो टाइम फ्रैक्शन है वो भी वही है। सिर्फ चेंज ये होगा कि हर साल कैलकुलेशन के अंदर फेयर वैल्यू चेंज होगी। इक्विटी सेटल में वो सेम रहती थी ग्रांट डेट वाली, यहां पे होगी चेंज फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट वाली। नाउ यू हैव एग्जांपल नंबर 7। एन एंटिटी हैज अ रिपोर्टिंग डेट ऑफ 31st December। ऑन 1st जनवरी 2001 द एंटिटी ग्रांट्स 100 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स SARs यानी कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट टू ईच ऑफ इट्स 300 एम्प्लॉइज on the condition that they continue to work until 31st December 2016, yani 3 saal ki vesting condition. During 2001, 20 employees leave. The entity estimates that the further 40 will leave during 20X2 and 20X3. During 20X2, 10 employees leave. The entity estimates that the further 20 will leave. During 20X3, 10 employees leave. Aur fair value pehle saal ke end pe kitni thi? 10. Dusre saal ke end pe kitni thi? 12. तीसरे साल के एंड पे थी 15, और तीनों सालों का हमें क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस और लायबिलिटी। ऑलराइट, सो द आंसर इज सिंपल। इन द ईयर 1 यू हैव 300 एम्प्लॉइज, 300 टोटल एम्प्लॉइज हैं, पहले साल 20 छोड़ गए, फर्दर एक्सपेक्टेड है 40 छोड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शंस के साथ जो कि 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले साल फेयर वैल्यू है $10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। दूसरे साल 300 लोग हैं, पहले साल 20 छोड़ गए थे, दूसरे साल 10 छोड़ गए, और फर्दर एक्सपेक्टेड है कि 20 छोड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय अब $12 है, और मल्टीप्लाई बाय 2/3। तीसरे साल की कैलकुलेशन में एक्चुअल डेटा, पहले साल 20 छोड़ गए, दूसरे साल 10 और तीसरे साल भी 10, मल्टीप्लाई बाय 100 और अब वैल्यू है $15 into 3/3। So पहले साल आपके पास 80,000 का एक्सपेंस आएगा, दूसरे साल एक्सपेंस 1,20,000 का, और तीसरे साल का एक्सपेंस 190, और ये जो लाइबिलिटी की कलेक्टिव फिगर आएगी, क्योंकि लाइबिलिटी आपने टोटल लेनी होती है और एक्सपेंस आपको ईच ईयर का लेना होता है, इसलिए हम उसको अलग-अलग लिखते हैं। So this is how you are going to deal with the cash settled share based payments.